Good morning, students. Today we will learn a new topic, words that matter. Compound words. These are new words that are formed by combining two or more words. ये ऐसे नए शब्द होते हैं जो कि दो या दो से अधिक शब्दों से जोड़कर बनाए जाते हैं. कंबाइन मीन्स होता है जोड़कर या मिलाकर. फॉर्म मीन्स होता है बनाना. फॉर एग्जाम्पल, चेयर प्लस मैन. चेयर और मैन को मिलाकर एक न्यू वर्ड फॉर्म किया गया है, चेयरमैन. फायर प्लस वर्क. फायर और वर्क को मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाया गया है, फायर वर्क. एक्सरसाइज ई, मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. नए शब्दों को बनाने के लिए जो फॉलोइंग है, जो निम्नलिखित में वर्ड्स दिए हैं, उसको जो है मैच करना है, मिलाना है. देन राइट देम इन फ्रंट ऑफ दियर पिक्चर्स. तब उनको उनके पिक्चर्स के सामने राइट करना है, लिखना है. बुक में पिक्चर्स दिया हुआ है, उसके सामने जो नए वर्ड्स बनेंगे उनको राइट करना है. फ्रेम ए सेंटेंस विथ ईच ऑफ न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. अपने टीचर की हेल्प से जो नए वर्ड्स बने हुए हैं उनसे एक सेंटेंस फ्रेम करना है, बनाना है. कहने मतलब यह है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके जो न्यू वर्ड बना हुआ है उसके बारे में सेंटेंस में राइट करना है. देयर आर टू कॉलम्स ए एंड बी. इन द ए कॉलम देयर आर फाइव वर्ड्स, बी कॉलम्स देयर आर फाइव वर्ड्स. इन द कॉलम ए फर्स्ट लाइट, सेकंड वाटर, थर्ड सन, फोर फायर, फाइव फूड. इन द बी कॉलम फ्लावर, हाउस, बॉल, फॉल, फ्लाई. न्यू वर्ड्स आर गिवेन बिलो. नए शब्द निम्नलिखित हैं, नीचे दिए गए हैं. कहने मतलब यह है, ये जो वर्ड्स दिए गए ए कॉलम और बी कॉलम में, इनको मैच करके न्यू वर्ड्स बनाए गए हैं. फर्स्ट लाइट हाउस, सेकंड वाटरफॉल, थर्ड सनफ्लावर, फोर फायरफ्लाई, फाइव फुटबॉल. उसके बाद एक्सरसाइज में यह भी कह रहा था कि जो न्यू वर्ड्स बनेंगे उसके बारे में सेंटेंस में राइट करना है, वाक्य बनाकर लिखना है. सेंटेंसेज आर गिवन बिलो विथ ईच ऑफ न्यू वर्ड्स. प्रत्येक नए वर्ड्स के सेंटेंस दिए गए हैं. फर्स्ट वाटरफॉल. वाटरफॉल क्या है? वाटरफॉल इज एन एरिया व्हेयर वाटर फ्लोज ओवर ए वर्टिकल ड्रॉप. वाटरफॉल ऐसा एक क्षेत्र होता है जहां पर पानी वर्टिकल ड्रॉप्स मीन्स सीधे बूंदों के रूप में गिरता है. जैसे कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां से पानी की बूंदें नीचे आती हैं और काफी मात्रा में नीचे आती हैं, उसी को वाटरफॉल कहते हैं. वाटरफॉल को हिंदी में झरना कहते हैं. इट्स हिंदी मीनिंग इज झरना. सेकंड सनफ्लावर. सनफ्लावर इज ए काइंड ऑफ फ्लावर. सनफ्लावर एक प्रकार का फूल होता है. इट इज ग्रोन एज क्रॉप ऑल्सो. यह फसल के रूप में भी उगाया जाता है. सनफ्लावर इट्स हिंदी मीनिंग इज सूर्यमुखी. गांव में लोग इसको सूर्यमुखी कहते हैं. थर्ड लाइट हाउस. लाइट हाउस क्या है? इट इज ए टावर विथ ए ब्राइट एट द टॉप लोकेटेड एन इम्पोर्टेंट और डेंजरस प्लेस रिगार्डिंग नेविगेशन. नेविगेशन मीन्स होता है जल यात्रा.
लाइट हाउस एक टावर होता है विथ ब्राइट एट द टॉप लोकेटेड एट एन इम्पोर्टेंट और डेंजरस प्लेस, जो कि खतरनाक या महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित होता है और इसका जो टॉप होता है, जो सबसे ऊपर का भाग होता है, वो ब्राइट होता है, चमकीला होता है, कान मतलब लाइट से जलता रहता है। रिगार्डिंग नेविगेशन, जल यात्रा से संबंधित, कहने मतलब यह है कि शिप्स जो ओशंस या उसमें सी में चलते हैं, तो उस ओशंस या सी में लाइट हाउस बना होता है और उसी की हेल्प से यह पता चलता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट प्लेस है और कौन सा डेंजरस प्लेस है। इसका जो नेविगेटर हैं, जो जल यात्री हैं या जो समुद्री जहाज को, जो शिप को चलाने वाले कैप्टन्स हैं, उन सबको पता होता है। उसकी हेल्प लेकर वे आसानी से ओशंस में या सी में अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। फोर्थ, फुटबॉल। फुटबॉल इज ए गुड गेम फॉर गुड एक्सरसाइज। फुटबॉल अच्छे व्यायाम के लिए एक अच्छा खेल है। फायरफ्लाई, फायरफ्लाई इज एन इंसेक्ट विच इज सीन इन द नाइट। फायरफ्लाई इज एन इंसेक्ट विच इज सीन इन द नाइट। फायरफ्लाई एक इंसेक्ट, एक कीड़ा मकोड़ा होता है, विच इज सीन इन द नाइट, जो कि रात में दिखाई देता है, जिसको कि गांव में लोग जुगनू भी कहते हैं, जो कि रात में जो है टिमटिमाता है, वही है फायरफ्लाई। सो लास्ट फिफ्थ इज फायरफ्लाई। फायरफ्लाई इज एन इंसेक्ट विच इज सीन इन द नाइट। फायरफ्लाई एक इंसेक्ट होता है जो कि नाइट में यानी रात में दिखाई देता है। टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज ई एंड स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट एंड लर्न एक्सरसाइज ई।